हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टोटल फिटनेस जिम। तो आज का हमारा वर्कआउट है एनिमल फ्लो पर। एनिमल फ्लो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, तो इसमें हम बेसिक एनिमल फ्लो के जो फॉर्म्स है वो आज सीखेंगे। तो यूजुअल तरीके से हमें सबसे पहले वार्म अप कर लेना है, फुल बॉडी रोटेशंस करना है, हमें नेक टू टो रोटेशंस करना है। यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन है कि आप शूज़ जो है वो ना पहने, क्योंकि एनिमल फ्लो करते समय हमें मोबिलिटी और एंकल मोबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसका यूज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो शूज़ जो है वो ना पहने। एनिमल फ्लो करते समय हमें काफ़ी ज़्यादा मोबिलिटी चाहिए, तो हम रोटेशंस के बाद मसल्स को थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी करेंगे। यहाँ पर स्टैटिक स्ट्रेच नहीं करना, मतलब कि स्ट्रेच को होल्ड करके नहीं रखना, आपको 2 सेकंड होल्ड करना है, छोड़ना है, फिर 2 सेकंड होल्ड करके छोड़ना है। यहाँ पर सबसे पहला जो एक्सरसाइज है एनिमल फ्लो में वो है बीस्ट। तो बीस्ट एक्सरसाइज करने के लिए हमें हमारे रिस्ट, एंकल और हमारा जो बैक एरिया है उसमें मोबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें उसे काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर लेना है। यहाँ पर आपके एंकल्स, रिस्ट और बैक, इसको स्ट्रेच करने के बाद हम बेसिक जो एक्सरसाइज है एनिमल फ्लो का बीस्ट पोजीशन उसमें आएंगे। तो बीस्ट पोजीशन करते हुए हमें करना क्या है, जो हमारी कैट या काऊ पोजीशन होती है उसमें आना है, और घुटनों को हमें उठा लेना है ऊपर और उसे होल्ड करके रखना है। ये करते समय आपको आपके आर्म्स पे, एब्डोमिनल पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। इसके बाद का जो फॉर्म है हम करेंगे, हमारे लिम्स जो है वो लिफ्ट करेंगे, जो हमारे हाथ और पैर हैं वो एक एक करके हमें लिफ्ट करना है बीस्ट पोजीशन में और उसे होल्ड करके रखना है। ये अच्छी तरीके से अगर आपको बैलेंस आने लग गया तो उसके बाद आप करेंगे अल्टरनेट लिम्ब लिफ्ट्स। तो हमें क्या करना है कि दोनों अल्टरनेट जो हाथ और पैर है उसे एक साथ उठाकर होल्ड करना है। ये करने के बाद इसके बाद हम करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवलिंग बीस्ट। फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवलिंग बीस्ट में हमें जो क्रॉल होता है, जो क्रॉल पोजीशन को ही करना है, पर यहाँ पर हमारे घुटने जो है वो फ्लोर पे नहीं रहेंगे, फ्लोर से उठे हुए रहेंगे, और हमारे हाथों और सिर्फ पैरों की मदद से हम आगे और पीछे जो है वो मूवमेंट करेंगे। इस मूवमेंट के हमें 4 से 5 लैप्स लेना है, जैसे कि आप 2-3 स्टेप आगे चले गए, 2-3 स्टेप पीछे चले गए, इसके जो है आपको 4 से 5 करना है। कोई कंफर्टेबल है तो उसे 10 स्टेप आगे, 10 स्टेप पीछे, ऐसे करके उसके 3-4 सेट भी कर सकता है। इसके बाद आता है फॉरवर्ड बैकवर्ड के बाद आता है लैटरल। हमें साइड में क्रॉल करना है, साइड ट्रैवलिंग बीस्ट। एनिमल फ्लो ये बेसिक कंट्रोलिंग मूवमेंट है, यहाँ पर फुल बॉडी एंगेज होता है, तो जितना कंट्रोल के साथ हम करेंगे उतना ही हमें बेनिफिट ज़्यादा होगा। इसके बाद में आते हैं क्रैब पोजीशन। क्रैब माने जो खेकड़ा होता है उसी की पोजीशन हमें करना है, पर यहाँ पर हमें बॉडी रेडी करनी है, हमारा बॉडी का जो भी लोड है वो आगे और पीछे शिफ्ट करना है, जिससे कि हम हमारे जो हाथ और पैरों में एक पूरा लोड डाल सके और उसे रेडी कर सके। उसके बाद इसे होल्ड करके अल्टरनेट लिम्ब्स जो है वो लिफ्ट करना है। यहाँ पर भी सेम करना है, अल्टरनेट लिम्ब्स करते हुए हमें एक हाथ और एक पैर एट द सेम टाइम लिफ्ट करना है, और उसके बाद सेकंड जो है वो लिम्ब्स जो रहेंगे हमारे लेफ्ट और राइट वो लिफ्ट करना है। ये जो भी अल्टरनेट लिम्ब लिफ्ट कर रहे हैं इसका जो यूज़ है वो आगे हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करने में होगा। जैसे कि आप देख रहे हो हम एक पैर और एक हाथ एट द सेम टाइम उठा रहे हैं, जिस जो कि हमने अल्टरनेट लिम्ब लिफ्ट में किया हुआ है। अगर किसी को अल्टरनेट लिम्ब लिफ्ट अच्छी तरीके से आ गया है उसके बाद वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवलिंग जो है वो अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो हर जो एक्सरसाइज है उसका अच्छी तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है।
इसके बाद हम जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रैवल करेंगे, इसके बाद हम करेंगे लैटरल, तो सिर्फ सेम क्रैब पोजीशन में आना है, चेस्ट आउट रखना है, दोनों पैरों को और हाथों को एक साथ लैटरल पोजीशन में डालते हुए स्लो स्लो मूवमेंट करना है। यहाँ पर जो भी लोड है या टेंशन है वो आपके हाथों पर, पैरों पर और आपके शोल्डर्स पर कंटिन्यूसली बना रहेगा। इसके बाद का एक्सरसाइज आता है एप। एप ये पोजीशन होती है जहाँ पर हम नैरो स्क्वाट पोजीशन में बैठते हैं और पूरा जो हमारा शरीर का भार है वो सामने की ओर डालते हैं, और जब भी हम ऊपर की ओर आते हैं तो हम हमारे एंकल से हमारी बॉडी लिफ्ट करते हैं, जैसे कि हम काफ रेजेस करते हैं, सीटेड काफ रेजेस, उसी की तरह हम जब हमारी बॉडी जब भी सामने होती है तो हमारे अडक्टर काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रेच होते हैं। तो ये एप पोजीशन को जितना कंट्रोल के साथ हम करेंगे उतना बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलेगा। अब एप पोजीशन को हम ट्रैवलिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो जो दोनों हाथ है उसके बीच में हमारा जो घुटना है वो आना चाहिए, हमारे दोनों हाथों के बीच में हमारा घुटना आएगा और हम हमारे हाथों पर लोड डालेंगे और लैटरल ट्रैवल करेंगे। इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमें बीच पोजीशन आती है और हमें क्रैब पोजीशन आती है, तो हम इसे अंडर स्विच करेंगे। तो जैसे कि मैं हूँ बीच पोजीशन में, तो मैं हम मेरा जो हाथ और पैर धीरे से उठाता हूँ और रखता हूँ और जाता हूँ क्रैब पोजीशन में। जैसे ही मैं क्रैब पोजीशन में हूँ तो उसके बाद मैं स्विच करूँगा बीस्ट पोजीशन में, बीस्ट टू क्रैब, क्रैब टू बीस्ट। इस एक्सरसाइज को अगर अच्छी तरीके से आ रहा है आपको करते हुए, पहले तो इसे स्लो स्लो प्रैक्टिस कीजिए, पूरा जो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, इसे करने की कोशिश कीजिए और मूवमेंट को समझ लीजिए। मैं मेरा अल्टरनेट पैर और हाथ उठा रहा हूँ और बीच टू क्रैब पोजीशन में जा रहा हूँ। इसके बाद अगर किसी को ये स्लो और अच्छे तरीके से आ रहा है, इसके बाद मैं इसे फास्ट फास्ट भी कर सकता हूँ और अल्टरनेटली स्विच भी कर सकता हूँ, जैसी मेरी मर्जी हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या राइट टू राइट, राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट। तो ये है चार बेसिक एनिमल फ्लो के एक्सरसाइजेस, ये आप ट्राई कीजिए। हर एक पोजीशन को जितने स्लो और अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।